हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अब काफ़ी हद तक ट्रबल में है, और लग नहीं रहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाएगा। अब क्वेश्चंस यहां पे आते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, जो जापान से हमने लोन ले रखा है उसका क्या होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहां पे सामने आते हैं, तो डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। सो विदाउट डाउट लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ, काफ़ी बार जब मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स या फिर देश की इकोनॉमी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तो कुछ कमेंट्स आती है, उसमें ये लिखा होता है कि कुछ एक ऐसी वीडियो बनाइए जहाँ पर यह एक्सप्लेन हो कि हम लोग चाइना से इतना पीछे क्यों रह गए, हमने क्या गलतियाँ करी। नाउ द प्रॉब्लम इज़, ये टॉपिक इतना वास्ट है और यहाँ पर इतने सारे रीज़न्स हैं कि एक वीडियो में कवर करना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। मगर एक बहुत ही बड़ा रीज़न कि हम चाइना से पीछे क्यों रह गए, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। नाउ, ये जो टॉपिक है इसको बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करूंगा। सबसे पहले बताता हूं कि 14 सितंबर 2017 को क्या हुआ, एक हिस्टोरिक डेट। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इंडिया आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले। इन दोनों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। ये था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसके अंडर इंडिया को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने वाली थी जो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक रन करती। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है। आप इसकी कॉस्ट देखिए, 1.1 लाख करोड़ रुपीस, डॉलर्स में आप कह सकते हैं रफली 16 to 17 बिलियन डॉलर्स। बहुत ही ज़्यादा मैसिव प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस वक्त इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी कि जापान की तरफ से गिफ्ट आया है, और हमारे पीएम ने भी ये लिटरली यही कहा था कि ये जापान की तरफ से इंडिया को एक गिफ्ट है। और जिन शर्तों पर जापान ने कहा कि हम आपकी जो पुली बुलेट ट्रेन है बनाएंगे, ये भी काफ़ी हद तक फेवरेबल थी। तो जो बुलेट ट्रेन का पूरा रूट है ये आपके सामने है। यहाँ पे अहमदाबाद से स्टार्ट होती, फिर ऑल द वे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे रुककर पहुँचती मुंबई और महाराष्ट्र में। बाय द वे, एक बार मुंबई में पहुँच जाती तो उसके बाद हम पुणे तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते थे। तो बहुत बड़े प्लान्स थे इस बुलेट ट्रेन के। पुणे का जो पार्ट है उसको आप अगर छोड़ दो तो इसी पार्ट की जो टोटल लेंथ है ये 508 किलोमीटर्स है। नाउ, ये मैंने क्यों कहा कि जापान ने बहुत ही फेवरेबल टर्म्स में ये कहा कि आपकी बुलेट ट्रेन हम बनवा देंगे, क्योंकि आप अगर लोन की शर्तें देखोगे तो बहुत ही फ्रेंडली कंडीशंस में ये लोन हमको ऑफर हुआ है। अब देखो, पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर जो बनाना है, इसमें मैंने आपको बताया खर्चा आना था 1.1 लाख करोड़ रुपीज़। जापान ने कहा इसका 81% हमसे आप उधार में ले लो, ठीक है, और उधार 81% कितना हो गया इसका, करीब 88,000 करोड़ रुपीस। नाउ, जो ये लोन है बस कहने को ही लोन है, क्योंकि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA जो लोन प्रोवाइड करेगी, उन्होंने इंडिया को ये लोन दिया 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर। और साथ में ये भी मेंशन किया कि जो लोन की रीपेमेंट है ये आराम से 50 साल में करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनिए तब आराम आराम से ये लोन पे करते रहिएगा। तो मैं कहूँगा ये जो 88,000 करोड़ का लोन था, ये कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म इंडियन इकोनॉमी पर हैवी नहीं था। मैं ये कहूँगा जापान ने ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इंडिया के साथ गुडविल बनाने के लिए, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि जापान का ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन जो है उनकी इंडिया के प्रति, उसका एक पार्ट था। नाउ, अभी तक मैंने आपको बताया कि 81% जो सारा खर्चा है ये तो जापान से लोन के रूप में आना था, बाकी जो अमाउंट है वो कहाँ से आना था, वो जो अमाउंट है वो गुजरात और महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पर पैसा लगाती। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ज़रातार जो ये प्रोजेक्ट है ये गुजरात से गुजर रहा है, तो गुजरात यहाँ पे ज़रा पैसा देता है, और बाकी का जो अमाउंट है रफली आप कह सकते हैं 5,000 करोड़ रुपये, वो महाराष्ट्र पे करने वाला था, क्योंकि महाराष्ट्र में ये 150 किलोमीटर जो ये प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन होना था। अब इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि अब रिसेंटली महाराष्ट्र में जो हुआ आपको पता है, बेसिकली हम यहाँ पे ये कहते हैं कि बीजेपी पावर से बाहर हो गई और अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त महाराष्ट्र को लीड कर रही है। अब इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है महाराष्ट्र के लिए। ये आप देखेंगे, ये स्टेटमेंट है बाय शिवसेना स्पोक्समैन कि वी हैव ऑलवेज अपोज्ड बुलेट ट्रेन, हम हमेशा से कहते थे कि बुलेट ट्रेन का कोई काम नहीं है महाराष्ट्र में,
हमारे यहाँ किसान गरीब हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी लोकल ट्रेन्स हैं उनकी हालत ख़राब है, सड़कों के इश्यूज़ हैं, उन पे हमको पैसे खर्चने चाहिए, हम क्यों 5,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे लगाए जिसका बेनिफिट हमको कई सालों बाद दिखेगा। और इनके अलावा भी शिवसेना के वेरियस और नेता ये कह चुके हैं कि किसान हमारे लिए बुलेट ट्रेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आसार यहाँ पर ये लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार बुलेट ट्रेन की जो फंडिंग है वो मोस्ट प्रॉबली रोक देगी, और उस पैसे का किसानों के लिए या तो कोई पैकेज लेके आएंगे ये, या फिर किसी और तरीके से महाराष्ट्र में खर्चेंगे। नाउ एक तो बात है यहाँ पे फाइनेंसिंग की, दूसरी उससे भी बड़ी बात है लैंड को एक्वायर करने की। जैसे मैंने आपको बताया ये जो पूरी बुलेट ट्रेन है ये 150 किलोमीटर्स बननी है महाराष्ट्र में। अब जो लैंड एक्विजिशन इसकी होनी है, जो अथॉरिटीज लैंड इसके लिए एक्वायर कर रही है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, उसका जो प्रोसेस है ये महाराष्ट्र में 30% हो चुका है। टोटल इनको चाहिए 1,380 हेक्टेयर्स, इसमें से 548 हेक्टेयर्स ये एक्वायर कर चुके हैं, बाकी जो ज़मीन है इनको अभी किसानों से प्राप्त करनी है। अब जो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है वो ये भी कह रहे हैं थ्रू वेरियस स्पोक्समैन कि हम यहाँ पर किसानों का साथ देंगे, अगर किसान यहाँ पर अपनी ज़मीन प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो ऐसा ही ठीक है, हम यहाँ पे किसानों को प्रायोरिटी देंगे। तो अगेन ये से संकेत मिलते हैं कि जो ज़मीन चाहिए महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट के लिए वो एक्वायर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब यहाँ पे आप एक बात कह सकते हैं, बेसिकली जो एक इशू है यहाँ का फंडिंग का, ठीक है, लैंड को जो एक्वायर करना है वो अलग इशू है, उसको अलग रखते हैं, जो फंडिंग का इशू है वो सेंटर काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकती है। और कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो जो महाराष्ट्र से पैसे आने थे वो नहीं आएंगे, सेंटर जो 5,000 करोड़ रुपीज़ है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए आपको समझना होगा इस वक्त सेंटर की क्या पोजिशन है। रिसेंटली कॉरपोरेट टैक्स कट्स दिए, मतलब कि सरकार के पास पैसे कम आने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे सरकारी बैंक हैं वहाँ पे हमने बहुत सारे पैसे डाले क्योंकि वहाँ पे जो एनपीए का इशू था वो सॉल्व करना था। फिर हम लोग S-400 रफायल वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो इस सब के बीच में अचानक से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपीज़ खर्चने होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस टाइम। और ये हो सकता है कि अगर सेंटर को ये सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। नाउ यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि बुलेट ट्रेन की हमको ज़रूरत भी नहीं है, हम अभी रेडी नहीं हैं, हमारे पास और अभी इश्यूज हैं, फार्मर जनरली ये काफ़ी बड़ा इशू है और कोई उसे डिसएग्री करेगा नहीं। मगर यहाँ पे बात उससे भी आगे जाती है, यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट की, क्योंकि इन दी एंड अगर इंडिया को डेवलप होना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि खुद को हम डेवलप कर लें, वो पैसा ज़्यादातर बाहर से ही आएगा, सऊदी अरेबिया से, जापान से, यूएस से, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट्स आएगी उसी से इंडिया में मेजर प्रोजेक्ट्स बिल्ड होंगे। तो जो सडनली अब हम देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पर साइन हो गया, जो अमाउंट था वो डिसाइड हो गया, सब कुछ पक्का हो गया, फिर अचानक से कहीं पर एक चुनाव हो जाता है और सारी जो इक्वेशन है चेंज हो जाती है। इससे सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त इंडिया को देख रहे हैं उनके माइंड में एक डाउट आएगा कि क्या इस कंट्री में हमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इनके यहाँ कुछ पता नहीं है। अगर स्टेट में सरकार कभी भी बदल जाए तो उनकी पॉलिसी बदल जाती है, पुराने प्रोजेक्ट उठ जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इंडिया की इकोनॉमी पे, उसको काफ़ी बड़ा डेंट, उसको चोट पहुँचाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये हमारा पहला ऐसा कॉरिडोर होना था। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो बहुत सारे थे, हम इस तरीके से वेरियस और कॉरिडोर्स बनाने वाले थे साउथ में, नॉर्थ में, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब सडनली हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा ख़राब मैसेज जाता है। जापान भी जो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली कंट्री है टू इंडिया, आने वाले टाइम में काफ़ी बार सोचेगा इन बाकी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से पहले। तो जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, फ्यूचर में जो भी होता है वो मैं अलग से कवर करूँगा, मगर जो स्थिति यहाँ पर बन गई है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि इंडिया में कभी क्यों नहीं मैसिव स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स आई, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन कई साल पहले क्यों नहीं बनी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आज भी इंडिया में पैसा लगाना नहीं चाहते। आप अगर चाइना में देखें तो वहाँ पे पहले तो एक निर्णय होता है, ठीक है, आपने निर्णय ले लिया, सब एग्रीमेंट्स हो गए, उसके बाद उस निर्णय से वो आगे बढ़ते हैं, अचानक से वो जो प्रोजेक्ट है वो रुकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए था, पहले बातचीत कर लेते, अच्छे से कंसेंसस डेवलप कर लेते, तभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते। अब यहाँ पर अचानक से अगर इस प्रोजेक्ट पे ब्रेक लगती है तो अगेन इट विल बी वेरी बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी।
सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस होल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।